नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चीन एक भारत में आ गई सबसे बड़ी मंदी। 70 साल में आज तक नहीं आई थी इतनी बड़ी मंदी। सारा पैसा कहाँ गया? बड़ी ब्रेकिंग है, भारत में आई सबसे बड़ी मंदी अब तक की। सारी दुनिया को छोड़कर से भारत की अर्थव्यवस्था जा रही है खाई में। जानिए क्या है सबसे बड़ा कारण। नीति आयोग ने कहा नोटबंदी GST के कारण 70 साल के सबसे बुरे दौर की अर्थव्यवस्था में है। देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था को लेकर नीति आयोग के BC राव कुमार ने बड़ा बयान दिया है। राजीव कुमार ने कहा कि नोटबंदी और GST के इस पर बड़ा प्रभाव डाला है। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन ने सरकार से निजी कंपनियों को भरोसे में लेने की सलाह दी है। उन्होंने कहा पिछले 70 साल में देश की ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया जब पूरी वित्तीय प्रणाली जोखिम में। नोटबंदी और GST के बाद क्या संकट बढ़ा है? राजीव कुमार ने कहा कि आज कोई भी किसी पर भरोसा नहीं कर रहा। प्राइवेट सेक्टर को भी कोई कर्ज देने को तैयार नहीं, हर कोई नकदी दबा कर बैठा है। राजीव कुमार ने केंद्र सरकार को कुछ हटकर कदम उठाने की सलाह दी। उन्होंने कहा नोटबंदी, GST और दिवालिया कानून के लागू होने के बाद देश की हालत बदल गई। जहां पहले करीब 35% कैश उपलब्ध हुआ था, वह अब काफी कम हो गया। इससे स्थिति काफी जटिल हो गई। राजीव कुमार ने कहा कि देश के अर्थव्यवस्था में आई सुस्ती का सबसे बड़ा कारण साल 2009-14 में दौरान बिना सोचे समझे दिए गए कर्ज। इस कारण साल 2014 में नॉन परफॉर्मेंस एक्ट यानी NPA बढ़ा, जिससे बैंकों का नया कर्ज देने की क्षमता कमजोर हुई है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी ने इस कमी की भरपाई की है, इस कारण इनके कर्ज में भी 25% की वृद्धि हुई। राजीव कुमार ने यह भी बताया कि वित्तीय क्षेत्र के दबाव में निपटने आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए केंद्रीय बजट में कुछ कदम उठाए गए। अगर अभी नहीं संभले तो पूरा देश बेरोजगारी और भुखमरी से तबाह हो जाएगा। तो जल्दी से जल्दी केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस महामंदी से बाहर निकले, नहीं तो देश के बहुत बड़ा नुकसान होगा। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।